हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे नहीं हो आप, क्योंकि फिजिक्स आपके लिए मेन पार्ट है और काइनेमेटिक्स तो बहुत ही मेन पार्ट है। ठीक है, तो इस चीज को आप बारीकी से कर लें, ठीक है ना? अब भी से मेंटेन कर लेता कि आगे मेरे दोस्त नीट और जेई मेन तुरंत निकल जाएगा, और यही है जो आपको आगे अच्छे से निकाल सकता है। खासकर मेरे डॉक्टर साथी से रिक्वेस्ट है, भावी डॉक्टर से, जो आगे डॉक्टर बनना चाहता है, इस चीज़ को स्ट्रांग बना ले अभी से, ठीक है ना? तो अब तक हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाल जी क्लासेस, मैं योगेश कुमार आपके सामने काइनेमेटिक्स लेके आ रहा हूँ। इसमें हमने टाइप ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी किया था अब तक। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और आगे कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लें कि हमने मोशन, टाइप ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट मास, ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, ओके। अगला हम लेके चलेंगे हमारी फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज तीन टर्म की होती है ऑन द बिहाफ ऑफ काइनेमेटिक्स। पहली होती है स्केलर, ठीक है, दूसरी होती है वेक्टर, और तीसरी होती है टेंसर। स्केलर, वेक्टर और टेंसर, इनको हम थोड़ा सा बारीकी से हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हल्का सा डिस्कशन है बस, ज्यादा नहीं करेंगे हम। मैं अगले टॉपिक का बस करूंगा, बस थोड़ा हाई इंट्रोडक्शन जरूर है। ठीक है, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनके अंदर डायरेक्शन का रोल नहीं है, ठीक है, बट नो डायरेक्शन, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े हैं मास। अरे मास की कोई डायरेक्शन है क्या? कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन लेस है। इसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं देनी होती। हम सिर्फ 5 किलोग्राम देते हैं, 5 किलोग्राम इधर 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 इधर, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम रहता है, मास कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, ओके। हाँ, अपने माइंड को बदल ले, समय के अनुसार जो नहीं बदला वो नुकसान में रहेगा, हमेशा नुकसान में रहेगा। तो समय के अनुसार बदल लो, टेक्नोलॉजी के अनुसार बदल लो, डिमांड के अनुसार बदल लो अपने आप को, भविष्य उसी का अच्छा होता है जो बदलता है, ठीक है ना? ओके, हाँ। तो मास, मास कभी नहीं बदलता, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट बात करें लेंथ, टाइम। भले सर, टाइम, टाइम इज स्केलर, वैसे स्केलर है लेकिन बदलता जरूर है। हाँ ठीक है ना, अगर आपने काम किया तो आपका आने वाला टाइम अच्छा होगा, अगर आपने टाइम काम नहीं किया तो आने वाला समय बेकार होगा बहुत ज़्यादा। टाइम को टाइम दो, टाइम आपको सब कुछ देगा, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है ना। अरे अपने आप को टाइम दो, स्टडी को टाइम दो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Both is known as vector quantity. Okay, ठीक है। For example, displacement है,
ठीक है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब मैं बीच में इसको लेके आऊंगा, टेंसर है ये, टेंशन नहीं है, टेंसर। ठीक है, टेंसर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट, अरे ये क्या सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां भी था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहां भी है, मैंने बट लगाया। डोंट ओबे, डू नॉट ओबे वेक्टर्स ला, वेक्टर ला को जो ओबे ना करे, रूल को ओबे ना करे, वेक्टर के नियम को ओबे ना करे, उसे टेंसर कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे देता हूं आपको मैं, अरे कौन, करंट भाई, करंट, करंट का झटका लगेगा, करंट राजी कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एक हड़का सा ला बताऊंगा, आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक हड़का सा ला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वेक्टर की ला है वैसे ट्राइंगल ला, पैरेललोग्राम ला, जिसे हम अलजेब्रिक ला कहते हैं, वेक्टर ला, ठीक है। और वेक्टर का एक ला ये कहता है कि जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट, एक ट्राइंगल ला के अनुसार। लेकिन अगर मैं जैसे इसको एक वायर मानूं और करंट इधर जा रहा है, तो दूसरी वायर कनेक्ट करेंगे तो करंट इधर जाएगा, और तीसरी इससे कनेक्ट करेंगे तो करंट इधर जाएगा, जबकि इसका रिजल्टेंट तो इधर आ रहा है, तो क्या इसने इसको ओबे किया, नहीं किया। तो करंट जो है वो टेंसर है। वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी टेंसर है, ठीक है, ओके, हाँ चले आगे। चलो बोले सर स्केलर बता दिया, वेक्टर नहीं बताया, वेक्टर मैं बता देता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आगे पढ़ेंगे हम, वेक्टर बहुत सारे वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर ही वेक्टर हैं, और आपके एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पक्का है, नीट के एग्जाम में पक्का है वेक्टर का, ठीक है। कई सोचेंगे डॉक्टर साहबों पे ध्यान है, भाई डॉक्टर ही देश को बचा रहे हैं, ठीक है ना। वेक्टर जो है, वेक्टर का सिंबल ये होता है एरो, किसी भी मैग्नीट्यूड के ऊपर अगर ऐसे कर देता है ना, वो ऐसे कर देता है तो वेक्टर नहीं है, वो ओनली मैग्नीट्यूड है, तो फिर वो ऐसा बन जाता है। अगर एरो है उसके ऊपर तो वो डायरेक्शन को शो करता है, और ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही तो वेक्टर बना था, क्लियर है। अब टाइप ऑफ वेक्टर बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिसे हम पाथ लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस ब्रैकेट में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, आप लोग स्कूल के ग्राउंड में हो और आपसे कोई टीचर अचानक से कह दे कि बेटा जल्दी से दौड़ के और एक बुक ला दो, तो आप क्या करते हो, जो रास्ता आपको दिखाई देता है सामने, जहाँ ग्राउंड है, घास है, क्या है, आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि मॉर्निंग असेंबली से जो है ना आपको एक गिवन पाथ में जाना है, स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो जो पाथ गिवन होता है उसी में आप जाते हो, ठीक है ना। तो एक तो ए और बी के बीच में एक्चुअल पाथ, यहाँ से आप गार्डन के इस हिस्से में से ऐसे गए, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ये आपका क्लासरूम था, ऐसे आए, तो ये तो था पाथ लेंथ। ये तो था पाथ लेंथ, ठीक है ना, ओके, पाथ लेंथ था, ठीक है। और
उन दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यह एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस कवर की गई वो थी, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी। तो दोनों के बीच में ये जो है ये आपका क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थी। क्लियर है? हम डिस्टेंस की बात करें तो जो पाथ लेंथ है ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर एक्चुअल पाथ के अंदर जो ट्रेवल करता है, एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल बिटवीन टू पोजिशंस इज नोन एज डिस्टेंस। ओके, क्लियर है? अब ये यहां से भी हो सकता है, ये यहां से भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको जाना है ना, आपको जाना है चंडीगढ़, आपको जाना है दिल्ली, आपको जाना है कहाँ, बॉम्बे। तो आप कहीं से होते हुए जाओ, जहां से आप जाओगे एक्चुअल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल की, ठीक है। एक आप स्पेस से जाते हैं, मैं स्पेस में बाद में आऊंगा, उससे पहले, ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं आप, कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर है भाई, क्या है, मीटर, ठीक है। ओके, क्लियर है? आगे बात समझ रहे हैं? ओके, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेगेटिव डिस्टेंस कभी आप ये ऐसा कर सकते हो कि नेगेटिव चला नहीं हो सकता, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट, मैंने अभी अभी आपको बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल बिटवीन टू मेन पोजिशन, दो मेन पोजिशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है भाई साहब, चले आगे। चलो अब मैं बताता हूँ ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके। किस अपने पास सर्कुलर पाथ होता है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ए से बी गया और फिर ए पर वापिस आ गया, तो एक्चुअल तो इसने ये आर रेडियस थी,
तो डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के इक्वल थी भाई टोटल डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जहां से चला वहीं आ गया, ए भी वहीं बी भी वहीं, दोनों पोजिशन वहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी, जीरो। अगर ए से बी जाए तो आर ये आर ये, तो इसकी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी पाई आर, और इसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, वो आएगी 2 आर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो तो हम बात करें नेक्स्ट इसी के अंदर, इसी के एग्जांपल को लेते हुए, कि अगर आपके पास सर्कुलर पाथ गिवन है, कौन सा पाथ गिवन है, सर्कुलर पाथ, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट, जैसे आपको बताऊं ये सर्कुलर पाथ गिवन है आपके पास, ये रेडियस आपने ले ली, ये रेडियस आपने ली, ठीक है, तो इसके चार हिस्सों में आपको लिख के चलेगा, चार हिस्सों में कैसे लेके चलेगा, ये ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, आर इसकी रेडियस है, आर ये रेडियस है, आर ही रेडियस ये होगी, आर ही रेडियस ये होगी, आर ही ये होगी रेडियस होगी। अब आपसे कहिए कि ए से बी जा रहा है, ए से बी, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट है ए टू बी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर है, 2 पाई आर बाई 4, चौथा हिस्सा ना, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर अपॉन 4, ये आ जाएगी पाई आर बाई 2। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, यही तो होगी ना, अरे यही होगी, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, हमने पढ़ा था कि भी पढ़ेंगे हम, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट हम आर डैश मानेंगे, आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस, यहाँ कोस 90 जीरो हो जाएगा, जीरो, आर डैश दैट इज इक्वल टू 2 आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू रूट 2 आर, ये तो रूट 2 आर है, यहाँ रेडियस आर ले लोगे, ये कितनी है पाई आर बाई 2। अगर दोनों का रेशियो पूछ ले तो रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्या करोगे, पाई आर अपॉन 2 डिवाइड बाई रूट 2 आर, आर से आर कैंसिल, वैल्यू आ गई पाई अपॉन में, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2√2। क्लियर है भाई, आगे बात समझ में, इसी प्रकार से यहाँ आएगा तो ये आ जाएगी आर प्लस आर 2 आर, और वो कितनी आएगी, वो आएगी पाई आर, कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेशियो है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेशियो है, ये पाई बाई 2 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रेशियो, क्लियर है, आगे बात समझ में, अगर यहाँ आता है तो ये आ जाएगी पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, ठीक है, 2 पाई आर, ये पाई आर आ गया था, ये कितना आ जाएगा, ये इसका 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 2 पाई आर का 3/4, 3/4 यानी कि 3/2 पाई आर, यह आ जाएगा 3/2 पाई आर, और वैसे कहाँ आएगा, वैसे ये डिस्टेंस आएगी, ये आएगी, तो ये कितनी आएगी, ये हमने निकाली थी रूट 2 आर, वही चाहे इधर निकाल ले चाहे इधर निकाल ले, वो तो आर और आर दोनों आर हैं, ट्राइंगल ऊपर ले लो या नीचे ले लो, वही आनी है, सेम आनी है, तो वही रूट 2 आर नीचे ले लो, आर से आर कैंसिल, 3/2√2π, ठीक है, और अगर यहाँ घूम के आ जाता है पूरा, तो सरकमफ्रेंस तो कितनी आ गई, 2 पाई आर, और वो कितनी आ गई, जीरो। देखो मैं आपको बताऊँ, ये ऊपर वाली तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाली डिस्टेंस नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाली डिस्टेंस नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाली डिस्टेंस नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस किसे लेके चलते हो आप? तो मैं एक तरफ डिस्टेंस लिख लेता हूं, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। तो नंबर फर्स्ट तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नंबर सेकंड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर सेकंड, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नंबर थर्ड, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इसकी भी एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है, ये तीन पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, तीन पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो जो एक्चुअल पाथ है, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये एक्चुअल पाथ और ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अब ये पाथ, इट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है भाई? बिल्कुल सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का, वो इक्वल टू और लेस देन होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा। इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है। इट मे बी, पॉइंट नंबर पांच बना लो, इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, ये क्या थे? डिफरेंस थे। क्या थे? डिफरेंस। क्लियर है? ओके okay.